गुड मॉर्निंग बच्चों, अपने पास में जो चैप्टर है मैटर इन अर्थ सराउंडिंग, ये अपने पास में बचा क्लास 9th NCERT जो साइंस की बुक है ना अपनी, उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आई होप आपने जो दोनों बेसिक एटम के लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे, क्योंकि उनको समझने के बाद ये सारे चैप्टर समझना पता है बच्चों काफ़ी आसान हो जाएगा अपने लिए, है ना। तो ज़रा यहाँ से स्टार्ट, ये चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहला जो चीज़ है जो दिमाग में आती है अपने इस चैप्टर के नाम को देखते ही कि मैटर एग्जैक्टली होता क्या है। तो बच्चों देखो, ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, तो बच्चा हर चीज़ कोई ना कोई जगह तो घेरती है, नहीं अदरवाइज वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगी। जैसे मैं हूँ, मैं अगर हूँ तो कुछ ना कुछ जगह तो मैंने घेर रखी है ना। देखो भाई, इस जगह में अगर मैं नहीं होता तो कुछ और रखा जा सकता था। यहाँ पे तुम चेयर रख सकते थे, कोई बॉक्स रख सकते थे, अगर मैं ना होता तो मैंने कोई ना कोई जगह घेर रखी है। ये चौक है, इसने भी कोई ना कोई जगह घेर रखी है कि नहीं। आप बैठे हो, आपने भी कोई जगह घेर रखी है। जो स्मार्टफोन में आप वीडियो देख रहे हो, उसने भी कोई जगह घेर रखी है ना। अपने पास में जो कुछ भी है ना, वो जगह तो घेरता ही है करीब करीब। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, जगह घेरने के साथ साथ उसके अंदर कुछ वजन भी हो। भाई मेरे अंदर कुछ वजन है कि नहीं है, इस चौक के अंदर कुछ मास है कि नहीं है, मेरे अंदर मास है कि नहीं है, है ना कुछ। तो बच्चों ऐसी चीज़ को अपन मैटर कहते हैं जिसमें दोनों चीज़ है। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और उसके अंदर मास, उसे अपन मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, बच्चा ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है जगह घेरना, है ना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसके अंदर मास होता है उसे अपन मैटर कहते हैं। ठीक है, हम बच्चों आपको पता है जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, इंडियन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशंस, वहाँ पे भी मैटर को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, उन्होंने मैटर को क्या कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। क्लासिफाई माने बांट दिया था कि मैटर काई काई से मिलकर बना हुआ है ना। तो उनका ये कहना था कि जो मैटर है पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पंच तत्व क्या होता है बच्चा, पंच तत्व माने एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। उनका ये कहना था कि जो कुछ भी है इन पाँचों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। भाई आसमान, पानी और अपने पास में जो पृथ्वी है, आग है और हवा है, इन पांचों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है सब। उनका कहना ये था, है ना, जो इंडियन फिलोसोफर और जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनका कहना। ठीक है, अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने फाइव बेसिक एलिमेंट्स के अंदर क्लासिफाई किया मैटर को, और ये है वो पाँचों फाइव बेसिक एलिमेंट्स, और इन्हें पंच तत्व भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये तो हो गया एंशियंट क्लासिफिकेशन। आजकल बच्चा मैटर को जो क्लासिफाई किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्हें क्लासिफाई किया गया उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर। जैसे अब ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो बच्चों देखो, कोई चीज़ लिक्विड होती है, कुछ चीज़ें सॉलिड होती है, और कुछ चीज़ें गैसियस स्टेट में होती है। अच्छा, एक दो स्टेट्स और हैं, बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा, ये सब है ना, तो वो भी अपन देख लेंगे। तो पर बच्चा मेनली तो जनरली तीन स्टेट्स अपने को डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टेट्स को अपन, ऐसी चीज़ों को अपन क्या कहते हैं, मतलब ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बेसिस पे अपन चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो और बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी अपन चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में वो अपने को समझ में आ जाएगी। पर ऐसे एक बार अगर एक ओवरव्यू अपने को चाहिए तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ है जो जलती है उन्हें अपन एक कैटेगरी में रख देंगे, ऐसी कई चीज़ें जो जलती नहीं है उन्हें एक कैटेगरी में रख देंगे, है ना। तो कुल मिला के ऐसे मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ केमिकल क्लासिफिकेशन में होता है। ठीक है, जो आजकल का मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से जो मैटर है उसे अपन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चा आपको पता है साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी है, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, अपने पास कई एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, जिनकी हेल्प से अपन फर्दर अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ओके बच्चों आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर है ये पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं बच्चा, देखो बात समझो, अगर मान के चलो अपने पास में कोई पानी का टैंक है, बहुत बड़ा पानी का टैंक है। ठीक है, इसके अंदर 1000 लीटर पानी है, H2O ये पानी होता है। ठीक है, जो H2O है ना ये बेटा पानी का केमिकल सिंबल है। ठीक है, तो ये जो H2O है बच्चा, इसके अंदर या पानी के अंदर सोच के देखो, अपन यहाँ पे थोड़ी सी लाल दवा डाल देते हैं, लाल दवा सब जानते होंगे आई होप आप, तो वो क्या करती है बच्चा देखो, सारे पानी में फैल जाती है, फैलती नहीं फैलती, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो बच्चा एक बात बताओ, अगर ये जो चीज़ है अपने पास में जो लाल दवा है ये अगर पार्टिकल्स के ना बनी हुई होती, तो एक बात बताना बच्चों मेरे को, तो ये जो लाल दवा है क्या ये सारे पानी के अंदर फैल पाती क्या, चार तरफ जा पाती क्या, नहीं जा पाती। भाई अपन ये कहते कि हाँ भाई कोई जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, वो अपन कहते कि ये पार्टिकल से नहीं बना, ऐसे लकड़ी के टुकड़े की तरह थोड़ी ना होती। एक तो बेटा पार्टिकल नेचर माने, जैसे मिट्टी आती है ना रेतीली मिट्टी, उसे तो अपन कहते हैं पार्टिकल नेचर। उसके साथ साथ अपने पास आता है मतलब एक दूसरे तरीके का, उसे अपन कह सकते हैं कि जैसे चौक है, कंटिन्यूस है। ठीक है,
तो अपने पास जो मैटर ऐसा कंटिन्यूस होने से रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो लाल दवा है पूरे में नहीं फैलनी चाहिए थी, है ना। ये लाल दवा अगर पूरे में फैल रही है तो इससे अपने को जाहिर सी बात है, जो मिट्टी आती है ना रेतीली मिट्टी, उसकी तरह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो उसकी वजह से क्या चारों तरफ फैलने में केपेबल है ना। अच्छे से चारों तरफ फैल गई भाई, फैली कि नहीं फैली। तो यहां से अपने को समझ में आता है कि जो मेटल है, सॉरी जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअस है नेचर के अंदर, वो क्या पार्टिकुलर है नेचर के अंदर, मतलब जैसे छोटे छोटे पाउडर से मिलकर बना हुआ, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ में आया कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और मैं खुद ही कई बार भूल चुका हूँ कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिल चुका है। तो सेकंड चीज क्या अपने पास में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। हाउ के लिए बच्चा एक्टिविटी थी अपन ने देखी, इसके साथ साथ में मान के ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि ये अपने को कैसे पता कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है बहुत छोटे होते हैं। तो बच्चों देखो बात समझो, इसके लिए एक आध एक्टिविटी अपन आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं एक बार जरा। बच्चों देखो समझो, अपन ने जैसे भी ये लाल दवा डाली थी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ओके आई गॉट इट, ये समझ में आ गया कि हाँ सर हमें भी समझ में आ गया कि पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, तभी तो थ्रू आउट ये फैल पा रहे हैं, ये जो लाल दवा है तभी हर तरफ अपना कलर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर मान के चलो जो मैटर के पार्टिकल्स वो छोटे ना होते, तो अगर अपन लाल दवा डालते तो क्या होता, थोड़ी सी लाल दवा यहाँ हो जानी चाहिए थी, थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी यहाँ और थोड़ी सी यहाँ, ठीक है। अगर मान लो कुछ बड़े पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती तो ऐसे हो जाना चाहिए था, तो अपने को बीच बीच में प्योर पानी दिखना चाहिए था ऐसे, है ना, जैसे यहाँ पे ये प्योर पानी दिखना चाहिए था अपने को, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो थोड़ी सी लाल दवा भी है वो भी पूरे पानी में फैल रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि किसी कोने को छोड़ दियो या फिर अपन इसे फिर हिलाए तो ये इधर लाल हो जाए इधर जगह छूट जाए, ऐसा नहीं हो रहा था ना, थ्रू आउट फैल रहा था अपने पास में जो लाल रेड कलर था। तो इस अपने क्या समझ में आता है कि जो ये लाल दवा है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मैं यूनिफॉर्मली माने एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हर जगह पे, है ना, इस वजह से पूरे के पूरे के अंदर रेड कलर। हाँ बच्चों जरा अब आगे देखते हैं अपन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या क्या हैं, जो अपने पास में पार्टिकल्स ऑफ मैटर इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जरा ये देखते हैं अपन। अपने पास में जो सबसे पहले है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं, है ना, फिर ये कैसे अपन जान सकते हैं या किस एक्टिविटी के थ्रू ये अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ये सच है, वो बाद में देखेंगे अपन। तो बच्चों सबसे पहले तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो इसका मतलब है जो अपने पास में जैसे पानी है, पानी भी एक अपना मैटर है कि नहीं, तो जो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, तो ये अपने पास में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनके बीच में जगह होती है, ओके, ये जो लाइन है अपने को ये कहना चाह रही है। तो ये अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो बच्चों उस पे जाने से पहले अपन एक छोटी सी चीज़ और समझ लेनी चाहिए अपने को, ताकि अपने लिए समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाए। अपन क्या करते हैं, एक बड़ा सा भगोना लेते हैं, कोई भी कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो मोटे वाले पत्थर होते हैं ना कंसिडरेबल साइज़ के, ठीक ठाक साइज़ वाले, उससे अपन इसे भर देते हैं, ठीक है, बड़ी साइज़ के पार्टिकल से। देखो इससे अपन ने यहाँ तक भर दिया, ओके। अब अपन क्या करते हैं, ऊपर से जो अपने पास रेत आती है ना, बिल्कुल रेत वाली मिट्टी, वो अपन इस पर डालना चालू करते हैं। तो वो क्या करेगी बच्चों, एक बार बताओ, यहाँ ऊपर बैठेगी या फिर ये इनके बीच में जो जगह है यहाँ जाके भर जाएगी वो इस सारे स्पेस के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे उसे जगह मिलेगी वो क्या करेगी, ये जो नीचे वाले स्पेस है, ये जो नीचे जगह है इसके अंदर जाके बैठ जाएगी। यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है, तय है ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अपने क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में ये जगह है। अब अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर इनके बीच में जगह ना होती, अगर मेरे पास ये जो कंटेनर होता इसे मैं कंटिन्यूसली एक ईंट का टुकड़ा लेता और उससे यहाँ भर देता, ये ईंट रख देता मैं यहाँ पे, है ना, ब्रिक रख देता एक, और फिर मैं इसके ऊपर रेतीली मिट्टी डालता, तो ये क्या करता, ये जो पहले लेवल ये था अब क्या होता, लेवल बढ़ के ये हो जाता, ये अपने पास क्या आ गई मिट्टी, और ये जो ईंट है ये ऐसे की ऐसे। लेकिन इस सिनेरियो में जब अपने पास में छोटी छोटी बोल्स इसके अंदर रखी हुई है, जब अपन इसके अंदर रेतीली मिट्टी डालेंगे, तो ये जो बीच बीच के अंदर ये जो स्पेस है, ये मिट्टी यहाँ जाके एडजस्ट हो जाएगी, और इसके अंदर जो लेवल था पहले वाला वही लेवल अभी भी मेंटेन्ड रहेगा, मतलब ये जो मिट्टी है ऊपर आके एडजस्ट नहीं होगी। तो सर इसका इससे क्या लिंक, अच्छा बच्चों अब समझते हैं जरा ये भी। तो बच्चों ध्यान दो, अब अपन क्या करते हैं, अपने पास में जो ये पानी है, अच्छा ये दोनों चीज़ें तो अच्छे समझ में आ गई होगी आपको, है ना, ओके। अब जरा देखते हैं, जब अपने पास में इस बीकर के अंदर
पानी रखा हुआ है, मान के चलो यहां तक अपन ने पानी भरा है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसके अंदर जैसे ही कोई यूं मान के चलो एक बोल अगर अपन डाले कि ये मोटा पत्थर अपन इसके अंदर डाले, तो जैसे अपन ने कोई बड़ा पत्थर इसके अंदर डाला, इसका जो वाटर का लेवल है ये कंपैरेटिवली ऊपर हो जाएगा, जो पानी है ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्यों भाई पत्थर भी कुछ जगह घेर रहा है ना, तो पानी ऊपर आ जाएगा, ओके। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके अंदर जो चीनी है या नमक है, ऐसी चीजें जो पानी के अंदर घुल जाती है अच्छे तरीके से, है ना, वो मैं इसके अंदर डालूं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर चीनी डाली, चीनी डालते ही क्या हुआ, जो शुगर थी, देखो ये जो पानी के पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, ऐसे हैं, चलो है ना, अपन थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने चीनी डाली और उसको घोल दिया, तो अपन ने एक चीज नोटिस करी कि पहले भी पानी का लेवल यही था, पानी यहीं पे था, और चीनी डालने के बाद भी जो पानी का लेवल वो इतना ही है, वो पहले के मुकाबले बढ़ा नहीं, जबकि अगर अपन देखे तो बढ़ना तो चाहिए। अपन ने भाई बाहर से 4-5 चम्मच चीनी डाल दी तो इसका जो लेवल है कंपैरेटिवली ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो लेवल पहले था वो का वही लेवल अभी भी मेंटेन्ड है, उतना ही लेवल अभी पानी का मेंटेन्ड, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चा वो पत्थर वाला एग्जाम्पल याद आया तुम्हें, जब अपन ने मोटे मोटे पत्थर लिए थे यूं, है ना, और इसके अंदर अपन ने रेतीली मिट्टी डाली थी, तो अपन ने देखा था जो मिट्टी थी इन पार्टिकल्स के बीच में चली गई और इसका जो लेवल है वो ऊपर नहीं हुआ। सेम कहानी यहाँ भी एप्लीकेबल है, और यही एक एक्सप्लेनेशन है अपने पास में। देखो बच्चों, अगर ये पार्टिकल्स यूं मान के चलो बिल्कुल इस जगह को पूरे तरीके से घेर के रखते अच्छे से, और इसके अंदर जैसे ही अपन ये डालते चीनी, तो इसका जो लेवल ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जगह है, और जो अपनी शुगर है या जो शुगर के मॉलिक्यूल्स ये क्या कर रहे हैं, इस जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके बीच में जो जगह है इनके बीच में आके ये बैठ गए। बच्चों ये एक्टिविटी भी अपन करके देखेंगे, है ना, किसी लेक्चर में या प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन डेफिनेटली करेंगे एक्टिविटी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ओके। इसके बाद में जो अगला पॉइंट अपने पास में वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल्स है अपने पास में मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अच्छा ये चीज़ कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन, तो बच्चों एक बात समझो, इसके लिए भी अपने पास में एक एक्टिविटी गिवन है बुक में, ये भी अपन करके देखेंगे। अगर अपने पास में कोई बीकर है, है ना, इसके अंदर अपन ने क्या किया, पानी भर दिया यहाँ तक, ओके। अब पानी भरने के बाद अपन ने क्या किया, जो इंक आती है ना, अपन ने यहाँ पे एक ड्रॉप इंक की डाली बिल्कुल यूं धीमे से, बहुत धीमे से, ताकि पानी हिले ना, ये बिल्कुल आराम से रेस्ट पे पानी है, है ना। अब जैसे अपन ने इंक इसमें डाली, तो बच्चों अपन क्या नोटिस करेंगे, जो इंक है थोड़ी देर बाद में 5 मिनट बाद में ये जो पूरा पानी है, ये अगर अपन ने ब्लू इंक डाली है तो ब्लू हो जाएगा, ब्लैक इंक डाली है तो ये भी ब्लैकिश ब्लैकिश हो जाएगा, या रेड इंक डाली है तो ये भी रेडिश हो जाएगा। तो बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, अपन ने इंक डाली यहां पर तो ये पूरा पानी कैसे लाल हो गया, बताओ बताओ, तो सोचने लायक बात है। अच्छा बच्चों इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है जरा देखते हैं, है ना। एक लाइन में अगर लिखना हो तो मैं कह सकता हूँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो सर इससे क्या हुआ, तो बच्चों देखो बात समझो, यहाँ पर जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एक जगह पर टिक नहीं रहे। यहाँ पर जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एक जगह पर टिक नहीं रहे, भले ही वो अपने को अपनी आंखों से दिखे ना, लेकिन वो एवर हमेशा मोशन में रहते हैं। जैसे ही अपन ने इंक डाली, बच्चों एक बात बताओ, इंक के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो भी मूव करते रहते रैंडमली, एक जगह पे टिकते नहीं है, तो वो जो इंक के पार्टिकल्स हैं ये भी क्या करेंगे, पानी के साथ में ट्रेवल करना चालू करेंगे और चारों तरफ फैल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बच्चों समझो, ध्यान दो, ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे अपन ने यहाँ पे इंक डाली, इंक डालते क्या हुआ, जो पानी है उसके साथ साथ में जो इंक है ये भी क्या करने लगी, थ्रू आउट ट्रेवल करने लग गई, एक जगह पे टिकी नहीं। अब अगर तुम कहो कि नहीं सर पानी तो रुका हुआ रहता है, तो फिर इस चीज़ को तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये चारों तरफ गुल कैसे रहा। अगर तुम कहते हो पानी रुका हुआ रहता है अपनी जगह पे, तो ये इंक अगर अपन ने यहाँ डाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा कलर कहाँ होना चाहिए था, ये यूँ यहाँ तक, और यहाँ की इंक रुक जानी चाहिए थी। या ज़्यादा से ज़्यादा कहो कि सर थोड़ी बहुत पानी हिल भी गया तो इतने से पोर्शन में कलर हो जाना चाहिए था, और चलो नीचे आने के बाद में ये और मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कलर हो पाता, लेकिन यहाँ तक भी कलर कैसे पहुँच रहा है। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है अपने पास में, कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन के अंदर हैं, तभी ऐसा हो पाना पॉसिबल है, ओके। अच्छा इसके बाद में बच्चों एक चीज और जो है अपने सिलेबस में, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर अपने पास में दो बीकर है सेम साइज, उसके अंदर अपन ने बराबर पानी भरा, इतना पानी इसमें भरा और इतना ही पानी इसमें भी अपन ने भरा, ओके। ये पानी कैसा अपने पास में, थोड़ा गर्म पानी है ये, ठीक है, और ये जो पानी है अपने पास में कंपैरेटिवली ठंडा है या काफी ठंडा है, ठीक है।
ये एकदम यू मान के चलो उबलने वाला है थोड़ी देर में, और ये एकदम जमने वाला है थोड़ी देर में। इसके अंदर अगर अपन एक ड्रॉप इंक की यहाँ डालते हैं और इसके अंदर भी एक ड्रॉप इंक की यहाँ डालते हैं, है ना, तो बच्चों एक बात बताओ, जो इंक है ये घुलनी तो दोनों में तय है कि थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जो इंक है ये पूरे में फैल जाएगी और इसमें भी जो इंक है वो पूरे में फैल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कमाल चीज नोटिस करी जो भी साइंटिस्ट थे इस प्रोजेक्ट पे या इस एक्सपेरिमेंट पे वर्क कर रहे थे उन्होंने, कि जो गर्म पानी है उसके अंदर जो इंक है वो कंपैरेटिवली जल्दी चारों तरफ फैल गई कंपैरेटिवली टू कूल वाटर, ठंडे पानी के मुकाबले जो गर्म पानी के अंदर जो इंक थी वो पूरे के अंदर जल्दी फैल गई। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों देखो, इसके पीछे का एक एक्सप्लेनेशन है कि जैसे जैसे अपन पार्टिकल, जैसे जैसे अपन लिक्विड को गर्म करते हैं, जैसे जैसे पानी को अपन गर्म करते हैं, उसके अंदर जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स का मोशन है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये भी क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना लिक्विड का, वैसे वैसे ही इसका जो मोशन है पार्टिकल्स का वो भी बढ़ने लग जाता है ना। इस कारण से अब एक बार बताओ बच्चों, ये पानी गर्म है ना, तो इसके मुकाबले जैसे इस ठंडे पानी को अपन गर्म करने लगे और इस जितना गर्म कर दे, तो यहां पर जो पानी का वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली काफी फास्ट है ठंडे पानी के मुकाबले, है ना। तो इस वजह से यहां पर जो इंक है वो काफी जल्दी घुल जाएगी। अच्छा, एक चीज और यहां पर टर्म दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं अपने, है ये इस चीज को भी अपन कवर करेंगे इसी साल या इसी सेशन में, कहना ज्यादा ठीक होगा। ये जो तुम 9th क्लास में हो उसी क्लास में अपन डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी देखने वाले हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बच्चों अभी एक ब्रीफ आउट वे, मतलब ऊपर ऊपर से देखना चाहे अपन, एक आउटलाइन ड्रॉ करना चाहे काइनेटिक एनर्जी की, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है कि यूं मान के चलो अगर मैं रुका हुआ हूं अभी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और अगर मैं चलने लगूं तो मेरी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और मैं दौड़ने लगूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, है ना। मतलब जितनी तेज मैं चलूंगा उतनी ज्यादा मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे इस केस के अंदर अगर अपन बात करें तो ठंडा पानी है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, और यहां पे पानी के जो पार्टिकल्स क्या चल रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं। तो गर्म पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है ना, और ठंडे पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो इंक है वो कंपैरेटिवली आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट अपन करके देखेंगे, ये वाला, और हो सका तो ये वाला भी। ओके, अच्छा बच्चों अब अगला देखते हैं अपन। अगला अपने पास है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो बच्चों तुम घर पे भी कर सकते हो, और ये वाला हो सका तो मैं करके भी बता दूंगा। एक काम करो, पहले पूरा एक्सपेरिमेंट देख लो फिर उठ के जाना। तुम्हारे पास मान के चलो ये पानी का नल है, एकदम इसे धीरे धीरे खोल लो, ठीक है, ज्यादा पानी, ज्यादा तेज मत खोलना, अदरवाइज पानी क्या होता है चारों तरफ फैल जाता है, उतना अच्छे से अपन इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे अपन ने पानी खोला, और अपन बीच में अगर अपनी अंगुली डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, तो अंगुली डालने से क्या होता है, ये जो पानी है थोड़ा अपनी अंगुली के इधर से आता है और थोड़ा उधर से आता है। जैसे मैं यहाँ पानी डाल रहा हूँ तो थोड़ा पानी इधर से आएगा और थोड़ा पानी इधर से आएगा, है ना, और आने के बाद में नीचे वापस वो एक साथ जुड़ के और नीचे गिरने लग जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पानी डाल रहा हूँ तो वो इधर से गिर रहा है तो वो तो यूँ गिर जाना चाहिए, और जो इधर से गिर रहा है वो यूँ गिर जाना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से चिपक के वापस ऐसे साथ आके क्यों गिर रहे हैं? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन इस चीज़ को? सोचो बच्चों, सोचो थोड़ा इस बारे में, कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को? ओके, चलो मैं बताता हूँ बच्चों। एक्चुअली होता क्या है, जो पानी के पार्टिकल्स हैं या जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपने एक दूसरे के पास में रहना चाहते हैं, है ना। तो जैसे ही अपन यहाँ पे बीच में अंगुली डालते हैं तो थोड़ा पानी इधर और थोड़ा पानी उधर, ऐसा होता तो है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वापस ये नीचे जैसे जैसे आते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, तो एक दूसरे के पास आके वापस से एक साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज को और समझना हो तो बच्चों बात समझो। देखो, मैं क्या करूं, नीचे से अगर मेरे पास वेपर बन रहा है ना, और ऊपर मैं क्या कर देता हूं, यूं तिरछी प्लेट लगा दूं, यूं टेढ़ी करके स्लेंट प्लेट अगर मैं लगा दूं, तो वाटर क्या करेगा, उसके ऊपर वेपर्स की फॉर्म में जाके इकट्ठा होने लगेगा पूरे पे, है ना, और इकट्ठा होकर फिर वो बेटा बूंद बूंद बन के नीचे गिरेगा। तो बेटा वो बूंद बूंद बन के क्यों गिर रहा है, या बिना बूंद बने ही गिर जाना चाहिए उसे तो, है ना। अगर उसके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे ये इंडिपेंडेंटली गिर जाने चाहिए ना। ये वाला छोटा वाला पार्टिकल क्या करता है, इस वाले पार्टिकल से आके जुड़ता है और एक वो बड़ी बूंद बनाते हैं, फिर आके इससे जुड़ता है फिर बड़ी बूंद बनाते हैं, और एट दी एंड नीचे आके गिरते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा, बताओ?
तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। अच्छा, अपने बुक में एक और एक्टिविटी गिवन है जो आई होप करने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही समझ जाएंगे। अगर अपने पास में एक आयरन नील है ना, लोहे की अपने पास में कील है, अच्छा अजीब है थोड़ी सी, बड़े लोहे की कील है। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूँ कि इसे तोड़ के अलग करना है, इसे बिल्कुल तोड़ के दो पीसेस में बिल्कुल अलग कर देना, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए आसान होगा। या फिर अपने पास में एक ये चौक है, इसे मैं कहूँ, जो अपने पास में ये चौक है इसे तोड़ के दो पीसेस में करने के लिए कहूँ, एक तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन रखते हैं कुछ इनके बीच का, जैसे कुछ भी पेपर है अपने पास में, पेपर को टियर करना हो, फाड़ना हो, है ना, तो इन तीनों में अपने क्या, एक बार बताओ, जोर लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? और सबसे ज्यादा जोर आएगा अपने को इस आयरन नेल को तोड़ने में, सबसे ज्यादा अपने को एनर्जी लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा आयरन नेल को तोड़ने के लिए, तो ऐसा क्यों? तो बच्चों बात समझो, जो आयरन नेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को काफी टाइटली होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, है ना, तो इस वजह से आयरन नेल को तोड़ना अपने लिए कंपैरेटिवली मुश्किल होता है चौक के मुकाबले, क्योंकि चौक में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे को इतना अच्छे से पकड़ के नहीं रखते। अच्छा, इस चीज को अगर अपने को समझना हो तो एक चीज सोचो, अगर तुम बेटा ग्राउंड में खेल रहे हो, ठीक है, और चार चार के ग्रुप बना दिए जाए और तुम्हें कहे कि आपस में एक दूसरे को यूं कस के पकड़ लो, जैसे तुम्हारा हाथ है ये यूं ला के तुम मेरे डाल लो और मैं तुम्हारे यूं हाथ डालू और आगे भी अपन यूं एक दूसरे को, चार जने एक दूसरे को यूं टाइटली पकड़ के खड़े हो जाए, ठीक है, और दूसरे केस में अपन अपने हाथ यूं रखें और एक दूसरे के हाथ को यूं पकड़ के खड़े हो जाए, जैसे मैं इधर खड़ा हूं तुम इधर खड़े हो, अपने हाथों को यूं पकड़ के चार जने खड़े हो जाए, है ना, और तीसरे सिनेरियो के अंदर बच्चों कहा जाए कि सिर्फ अपने हाथों को टच करके रखो। अपन ने तीन केसेस बना लिए, केस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो केस फर्स्ट है इसके अंदर जो अपने पास में चार लोग हैं उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा, बहुत अच्छे से पकड़ रखा है ना, ये एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखे हैं, इन्होंने थोड़ा लूजली होल्ड कर रखा है एक दूसरे को, ठीक है, ये थोड़ा हल्के में होल्ड कर रखा है, और इन्होंने तो बिल्कुल केवल हाथ टच कर रखा है, ठीक है, यूं हाथ टच कर रखा है केवल यूं, ठीक है। और जो चौथा ग्रुप है अपने पास में वो एक दूसरे से, मतलब यूं मान के चलो सिर्फ यूं टच कर रहा है एक दूसरे को, है ना, सिर्फ यूं। तो एक बात बताओ, मैं अगर किसी एक व्यक्ति से कहूं कि तुम्हें जो फर्स्ट ग्रुप है इसे तुम्हें अलग करना है, तो उसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रुप को अलग करने में? तो बच्चों जाहिर सी बात है, फर्स्ट ग्रुप को दूर दूर करने में अपने को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा है ना। ग्रुप सेकंड को फिर उसके बाद में कंपेरेटिवली कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने भी एक दूसरे को ठीक है अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ में पकड़ रखा है। जो ग्रुप थर्ड है इसे भी ठीक है हटाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ग्रुप फोर को अपन बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों सेम कहानी यहाँ पे पार्टिकल्स के साथ है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन कितना या किस एक्सटेंट तक वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अपने पास में आयरन नेल है, इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं ये केस फर्स्ट की तरह है, इनको तोड़ना अपने लिए इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन काफी डिफिकल्ट है। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की, इसे तुम केस सेकंड की तरह कंसीडर कर सकते हो, जिसे कि अपने लिए तोड़ना मतलब उतना आसान नहीं है तो उतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, कि तोड़ा जा सकता है लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा टफ है ना, उतना टफ नहीं है जितना कि आयरन नेल को या केस फर्स्ट में लोगों को रिमूव करना है। और अगर अपन बात करें केस थर्ड की, तो थर्ड केस के अंदर अपने पास में क्या था कि जो लोग हैं उन्होंने एक दूसरे को थोड़ा हल्के से पकड़ रखा है, तो वो केस ले सकते हो तुम चौक का, चौक को तोड़ना कंपेरेटिवली अपने लिए काफी आसान हो जाएगा। और केस फोर्थ की मैं बात करूं बच्चों, तो हवा, हवा के जो पार्टिकल्स हैं बेटा उनमें भी अट्रैक्शन तो होता है, जैसे तुम भाग रहे हो और हवा तुम्हारे सामने से आ रही है, तो क्या कर रही हो तुम, इधर धक्का मार रही है, कंपेरेटिवली तुम उतनी तेज नहीं दौड़ पा रहे, है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हें हवा को चीरना पड़ रहा है, ठीक है, हवा को दूर दूर करना पड़ रहा है, ठीक है। और जो केस फोर्थ है, मतलब हाँ देख लिया अपन ने, तो सेम कहानी कुछ कुछ पार्टिकल्स में भी है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन अट्रैक्शन कहीं ना कहीं पार्टिकल्स में भी लाए करता है, समझ में आया कुछ? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी पॉइंट अपन ने देख लिए बेटा, अपनी बुक में तीनों पॉइंट्स ही हैं, आगे देखते हैं अपन अब